70 से 30,000 साल पहले मॉडर्न ह्यूमंस यानी होमो सेपियंस में कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस हुए। क्यों हुए हमें नहीं पता, लेकिन इसकी वजह से ह्यूमन ब्रेन के फंक्शनिंग में चेंजेस आए, कुछ ऐसे चेंजेस कि वो अब वर्ड्स को मैन्युपुलेट करना सीख गया था। हम जो कहते हैं ना दिमाग लगाना, तो दिमाग लगाना एक कैपेबिलिटी है और ये अब ह्यूमंस में आ चुका था। अगर लैंग्वेज को हम एज अ कलेक्शन ऑफ साइंस समझे तो कहानियां क्या है, मैन्युपुलेशन ही तो है इन साइंस का। यहां से उसने कहानियां बताना शुरू किया। कहानियां मेनली नेचुरल स्पिरिट्स की होती थी जो कि उन फिनोमेनन्स को एक्सप्लेन किया करती थी जिसको उस टाइम का होमो सेपियन कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता था, जैसे कि थंडरस्टॉर्म या रेनफॉल या फॉर दैट मैटर डेथ। यही नेचुरल स्पिरिट्स की कहानियां जो कि पार्ट थी शेयर्ड बिलीफ्स का, ग्रेजुअली फुल फ्लेज्ड रिलीजन में इवॉल्व हो जाती हैं। ह्यूमन बायोलॉजिकली वैसे एक क्यूरियस क्रिएचर है, जो भी कुछ उसे फैसिनेटिंग लगता है वो क्वेश्चन करता है, जानने की कोशिश करता है। ह्यूमंस के लिए सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज रही है ये वर्ल्ड और उसमें उनका प्लेस क्या है और क्यों है। सबसे स्टार्टिंग की सोसाइटीज के लिए इन क्वेश्चंस का आंसर्स रिलीजन प्रोवाइड करा रहे थे, गॉड्स के एक्शंस यूनिवर्स के वर्किंग को एक्सप्लेन कर रहे थे और एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा रहे थे ह्यूमन सिविलाइजेशंस के लिए। लेकिन कुछ लोगों को ये ट्रेडिशनल रिलीजियस एक्सप्लेनेशंस इनएडिक्वेट लगने लगे और फिर वो नए आंसर्स ढूंढने लगे रीजन के बेसिस पर रादर देन रिलीजन या कन्वेंशन के, और यहीं से फिर फिलोसफी की शुरुआत होती है। तो माइलेटस नाम का एक ग्रीक सेटलमेंट था जो कि आज मॉडर्न डे टर्की में है। वहां पे एक बंदा था थेलीज नाम का, 6th to 7th century BCE के आसपास, जो आगे चलकर बना वर्ल्ड का फर्स्ट फिलोसोफर। थेलीज ने रीजन का यूज किया नेचर ऑफ यूनिवर्स को समझने के लिए और दूसरों को भी ऐसा करने को एनकरेज करा। थेलीज का क्वेश्चन ये था कि ये दुनिया किस चीज से बनी है या किस बेसिक मटेरियल से मिलके ये कॉस्मोस बना है। तो उसने सोचा कि ये कोई ऐसी चीज होगी जिससे कि हर चीज फॉर्म की जा सकती है, वो लाइफ के लिए एसेंशियल होगा, उसमें मोशन की कैपेबिलिटी होगी और उसमें चेंज की कैपेबिलिटी भी होगी। ये सारी प्रॉपर्टीज उसके अकॉर्डिंग वाटर में प्रेजेंट है, इसीलिए वर्ल्ड जो है वो वाटर से बना है, पानी ही है वो बेसिक सब्सटेंस। अब भाई दुनिया वाटर से बनी है या नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है और फिलॉसफी के हिस्ट्री में थेलीज इसके लिए मेजर फिगर कंसिडर नहीं किया जाता है। थेलीज ने एक आंसर ही प्रोवाइड नहीं किया बट एक ट्रेंड या प्रोसेस भी पास ऑन करा और वो था रैशनल तरीके से सोचने का, और इसके अलावा ये आइडिया भी कि किस टाइप के एक्सप्लेनेशंस सेटिस्फैक्टरी माने जाएंगे और कौन से नहीं, और इसी की वजह से थेलीज वर्ल्ड का फर्स्ट फिलोसोफर माना जाता है। तो जो अर्ली फिलोसोफर्स थे वो थेलीज के बेसिक क्वेश्चन के ही सराउंडेड थे कि दुनिया किस चीज से बनी है, और उनके आंसर्स ने एक फाउंडेशन एस्टेब्लिश करा साइंटिफिक थॉट्स के लिए और साथ ही साथ एक रिलेशनशिप भी डेवलप करा साइंस और फिलोसफी में जो कि आज तक एग्जिस्ट करता है। कैसे माइलेशियन स्कूल ऑफ थॉट जो कि नेचुरल फिनोमिनन्स के रैशनल एक्सप्लेनेशंस को ढूंढते थे, इसने इन्फ्लुएंस करा पाइथागोरस को, जानने के लिए इस वाले वीडियो पे क्लिक करो, उसमें डिस्कस करते हैं लेंथ में। तब तक चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और बेल आइकन को भी दबा दो जिससे तुम कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन मिस ना करो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, पीस।